दोस्तों आज हम एक ऐसी वंदे भारत को लेकर बात करने वाले हैं जिसको लेकर ट्रायल रन कई महीने पहले लिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक की जो वंदे भारत है ये यात्रियों की सेवा में नहीं चल पाई है। एंड दोस्तों अभी इस वंदे भारत को लेकर जो इंतजार है वो यात्री करते करते बिल्कुल थक चुके हैं और जो यात्रियों के सब्र का बांध है वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। एंड इसी को लेकर एक्सपर रेलवे को भी लोग टैग कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर ट्रायल रन कई महीने पहले लेने के बाद भी क्या वजह है कि ये वंदे भारत नहीं चल पाई है। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे वैलिड प्रूफ के साथ, और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल रीजन कि आखिर क्या रीजन है कि इस वंदे भारत की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है और आखिर कब तक इसकी जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलेगी। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो लोगों की आवाज है, जो यात्रियों की मांग है, वो यहाँ पर रेलवे के पास पहुंचे हम सबके माध्यम से भी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों वैसे तो हमारे देश में कई रूट्स ऐसे हैं जो कि नई वंदे भारत का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये इंतजार 2-3 साल से भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, वो रेलवे पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों ये रूट बिल्कुल अलग है। इस पर यहाँ पर ट्रायल रन देने के बावजूद भी भारतीय रेलवे वंदे भारत को नहीं चलाई, जबकि इस रूट पर हुए ट्रायल रन पूरी तरह से सफल रहे हैं। और जब ये ट्रायल रन हो रहे थे वंदे भारत से इस रूट पर, तब लोगों में अलग ही उत्साह दिख रहे थे क्योंकि उनको उम्मीद जगी थी, उनको लग रहे थे कि हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है अब उनके रूट पर चलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ट्रायल रन होने का मतलब यही है कि ट्रायल रन होने के कुछ दिन बाद वंदे भारत की जो सेवा है, जो सर्विस है, वो यात्रियों के लिए मिल जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस रूट के बारे में कि आखिर कौन सा ये रूट है जिस पर ट्रायल रन होने के बावजूद भी वंदे भारत ट्रेन अभी तक नहीं चल पाई है। तो दोस्तों ये जो रूट है वंदे भारत के लिए, इस पर पहले से चल रही वंदे भारत को एक्सटेंड करने की जो मांग है वो की जा रही है। और फिलहाल हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में एक वंदे भारत चलती है जो कि KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलाई जाती है, जिसका ट्रेन नंबर है 20661 और 20662। और इसी ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलती है हफ्ते के 6 दिन। और इसी चल रही वंदे भारत को बेलगावी तक एक्सटेंड करने की जो मांग है वो यात्री कर रहे हैं। हालांकि एक्सटेंड करने की जो मांग है, जो डिमांड है, इसको भारतीय रेलवे अप्रूवल भी दे चुकी है कि ये ट्रेन बेलगावी तक जाएगी, लेकिन यहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद सिर्फ ट्रायल रन भारतीय रेलवे ने लिया और उसके बाद अभी तक कोई भी काम नहीं हो पाया इस वंदे भारत को लेकर। दोस्तों इसके विस्तार को लेकर रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर निकाला गया था वो भी आप देख सकते हैं, और इस लेटर में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि हमारी KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत है इसको बेलगावी तक एक्सटेंड किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। और ये लेटर निकाला गया था 14 नवंबर 2023 को, यानी कि पिछले साल नवंबर महीने की ये बात है। और यहाँ पर 14 नवंबर 2023 को ये लेटर जारी हुआ और उसके लगभग 7 दिनों बाद, यानी कि 21 नवंबर 2023 को इस वंदे भारत का जो ट्रायल रन है टुवर्ड्स बेलगावी तक वो भी लिया गया और ये ट्रायल रन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा इस वंदे भारत को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर भारतीय रेलवे ने क्या रीजन बताया इस वंदे भारत को न चलाने का, उसके बाद जो एक्चुअल रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे, जब रेलवे से पूछा गया कि ट्रायल रन लेने के बाद भी इस वंदे भारत को बेलगावी तक भारतीय रेल क्यों नहीं चला रही है, तो यहाँ पर सामने से रेलवे का जवाब यही आया कि यहाँ पर बेलगावी का जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन में पानी भरने की जो उचित व्यवस्था है वो फिलहाल के लिए नहीं है, यानी कि गाड़ी में पानी भरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बेलगावी से इस गाड़ी को चलाने से। हालांकि ये रीजन मुझे प्रॉपर नहीं लगा। और दोस्तों यहाँ पर बेलगावी से वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है, लोग चाहते हैं कि बेलगावी से वंदे भारत ट्रेन चले। और फिलहाल KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत है इसमें बड़ी संख्या में जो बेलगावी के लोग हैं वो सफर करते हैं और ये गाड़ी फिलहाल धारवाड़ तक चलती है। तो ऐसे में धारवाड़ के बाद निजी गाड़ी या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करने के बाद लोग बेलगावी तक पहुंचते हैं। ऐसे में दोस्तों लोगों की मांग ये है कि इस वंदे भारत को धारवाड़ से आगे बढ़ाया जाए और डायरेक्ट बेलगावी का जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बेंगलोर के साथ बनाया जाए। ऐसे में धारवाड़ से गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है या फिर निजी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, यात्री काफी आरामदायक तरीके से वंदे भारत के माध्यम से बेलगावी पहुंचेंगे। और बेलगावी से वंदे भारत चलाने की मांग कोई नई नहीं है, काफी पहले से मांग आ रही है वंदे भारत को बेलगावी से चलाने की। लेकिन दोस्तों भारतीय रेलवे इतने हाई डिमांड को देखते हुए भी, देखने के बावजूद भी, हमारी बेंगलोर से धारवाड़ के बीच में चलने वाली वंदे भारत को ट्रायल रन लेने के बाद भी अभी तक बेलगावी तक एक्सटेंड नहीं कर पाई है। हालांकि दोस्तों इसका जो एक्चुअल रीजन है जो कि अभी तक समझ में आ रहे हैं वो ये है कि देश में यहाँ पर कई महीनों से लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विभाग व्यस्त हैं और यहाँ पर जो जरूरी काम है उसको भी रोका गया है, पेंडिंग किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों पिछले साल नवंबर महीने से ही इस वंदे भारत को एक्सटेंड करने की मांग आ रही है। तो अगर भारतीय रेलवे चाहती तो पिछला जो इनॉग्रेशन हुआ 12 मार्च को वंदे भारत को लेकर उसमें इस गाड़ी को एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एंड उसके बाद मार्च महीने के बाद जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर जो तैयारियां है, जो काम है,
वो काफी अपने एक्सट्रीम लेवल पर चले गए और यहाँ पर सरकार के जो सभी काम है वो ऑलमोस्ट सभी जगहों पर रुके और यही कारण है कि अभी तक बेलगावी तक इस वंदे भारत का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, वो नहीं हो पाया है। वहीं अगर हम बात करें कि बेलगावी वासियों को आखिर और कितना इंतजार करना पड़ सकता है, तो दोस्तों अब बेलगावी वासियों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर 4 जून को नतीजा आने के बाद और देश में कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद बेलगावी तक इस वंदे भारत का जो विस्तार है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे खुद चाहती है कि चल रही जो वंदे भारत ट्रेनें हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाए और भारतीय रेलवे को भी अच्छी तरह से पता है कि ये गाड़ी बेलगावी तक अगर जाएगी तो कमाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, डिमांड काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए 100% ये गाड़ी बेलगावी तक चलने वाली है, विस्तार होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें और थोड़ा सा वेट करना होगा और 4 जून के बाद इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंशन है, ये हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों रेलवे बोर्ड दिल्ली की तरफ से इसके विस्तार को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुका है और अब यहाँ पर सिर्फ काम है इस गाड़ी को विस्तार करने का, जो कि यहाँ पर रेलवे 4 जून के बाद कभी भी कर सकती है। और शायद हमारे देश की ये पहली वंदे भारत है जिसके ट्रायल रन हुए लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ये गाड़ी यात्रियों की सुविधा में नहीं चल पाई है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत को बेलगावी तक एक्सटेंड करना चाहिए या फिर नहीं, और बाकी देश में चल रही और कौन कौन सी वंदे भारत को एक्सटेंड करना चाहिए, जरूरत है इनको एक्सटेंड करने का, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों इस वंदे भारत से रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट मिलता है तो आपको मैं फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।